హల్లెలూయా 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 యేసుకి స్తుతి హో యేసుకి ఆరాధన హల్లెలూయా జోర్సే బోలి హల్లెలూయా 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 ఏక్ బార్ యేసుకే కితనే శిష్య తే జరా బతాయియే 12 మే ఏక్ కా నామ్ హై పత్రస్ క్యా నామ్ హై క్యా నామ్ హై ఆప్కే పాస్ జో బైబిల్ హై ఉస్మే లిఖా హోగా పెత్రుస్ अथवा पत्रस। ये पत्रस जो है उन्होंने जितने भी लोग और कन्फेशन के लिए जानने वाले हैं कृपया इस समय जाएं, पाप स्वीकार के लिए जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग इस समय पाप स्वीकार के लिए जाइए। हालेलुया बोलिए हालेलुया। आवाज़ कम हो गई मेरे भाई, जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। उदास मत रहना जी हालेलुया, दुखी मत रहना हालेलुया, परेशान मत होना हालेलुया। आज तक किसी शेर को खुदकुशी करते हुए आपने देखा है? आज तक किसी शेर को खुदकुशी करते हुए देखा है? खुदकुशी केवल इंसान करता है, दुखी भी केवल इंसान होता है, कोई जानवर इतना दुखी नहीं होता कि वो खुदकुशी करे। हालेलुया जोर से बोलो ना। जहाँ तक मुझे खबर है भारत में सिंह जो है दहाड़ता है, बोलता नहीं है, दहाड़ता है। क्या करता है? ऐसा दहाड़ता है क्या इधर? जोर से बोलो हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। जोर से बोलिए हल्लेलुया। जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, जोर से ताली बजाते हुए धन्यवाद दें, जोर से ताली बजाते हुए धन्यवाद दें। हालेलुया। तो यीशु के 12 शिष्यों में एक शिष्य था पत्रस। क्या नाम है मुझे देखना, क्या नाम है? ये पत्रस जो है उन्होंने एक समय पर यीशु को त्याग दिया। कितनी बार? तीन बार त्याग दिए। कितनी बार त्याग दिए? एक ही टाइम पे तीन बार त्याग दिया। हालेलुया। लेकिन जब से पत्रस ने इनको त्याग दिया यीशु उनके पीछे भी पड़ गए, और पत्रस के पीछे ऐसे पड़ गए हैं कि पुनरुत्थान के बाद जब यीशु आए वो पेत्रस के सामने खड़े हो गए और पत्रस से यीशु ने पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? आपके सामने यीशु आज खड़े होकर आपसे अगर सवाल करें, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? जोर से बोले बस इतना। यदि यीशु आपके सामने खड़े होकर आज आपसे सवाल करें, क्या मेरे बेटे मेरी बेटी क्या तुम मुझे प्यार करते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? जोर से बोलिए बस इतना ही। और जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। ये पत्रस जो है इनके पीछे यीशु ऐसे ही पड़ गए हैं कि यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पत्रस ने कहा हाँ मैं प्यार करता हूँ। फिर पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं प्यार करता हूँ। तीसरी बार यीशु ने फिर पूछा, क्या बाकी लोगों से भी ज्यादा तुम मुझे प्यार करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, आप तो जानते ही है। यीशु का सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, जरा हाथ उठाइए। सोच के समझ के, ओहो हाथ नीचे करो। यीशु को सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, जरा हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो। यीशु को सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, जरा हाथ उठाओ। सबसे ज्यादा जो प्यार करते वो लोग दोनों हाथ उठाइए। हालेलुया
हालेलुया। देखना यीशु एक बार अगर पीछे पड़ गए तो जीना बड़ा अच्छा लगता है। यीशु पत्रस के पीछे पड़ गए हैं, और ये जो पत्रस जिन्होंने यीशु को तीन बार त्याग दिए, उस पत्रस के मुंह से प्रभु ने फिर से निकाली आवाज, और पत्रस ने कहा मैं प्यार करता हूँ करता हूँ करता हूँ, तीन बार कह दिए। अंत में वही पत्रस जिसने यीशु को त्याग दिए तीन बार, उसी पत्रस के अंदर इतना सामर्थ्य आके भरा, उसी पत्रस के अंदर इतना सामर्थ्य आके भरा कि ये पत्रस जहां जहां से जाता था वहां पत्रस की जहां जहां परछाई पड़ती थी वहां लोग बीमारों को लाकर सड़क के किनारे किनारे डाल देते थे, जिससे पत्रस की परछाई उनके ऊपर पड़े, और जहां पत्रस की परछाई पड़ती थी वहां लोग ठीक हो जाते थे। आमेन, बोलो आमेन, कोई तो बोलो आमेन। पत्रस का हाथ नहीं रखा जाता था, ना पत्रस किसी का स्पर्श करता था, लेकिन पत्रस की परछाई पड़ने से भी लोग ठीक हो जाते थे। मेरे भाई आप प्रार्थना करना यीशु से कि यीशु आज से मेरे पीछे पड़ जाना ताकि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य आ जाए। एक बार ऐसा हुआ, ये पौलुस जो है पहले मसीहियों को सताता था, कुछ सुना आपने? आपने सुना कि नहीं सुना? ये पौलुस जो है पहले मसीहियों को घर घर जाकर घसीट के लेके आते थे और मसीहियों को सताते थे, और एक दिन ऐसे ही सताने के लिए घोड़े पे सवार हुए जा रहे थे तो उनको पवित्र आत्मा ने घोड़े से पटक दिया। एक बार जब पटक दिया गया तो उनको एहसास हुआ और उन्होंने यीशु की आवाज सुनी, क्योंकि यीशु उनके पीछे भी पड़े हुए थे। यीशु उनके पीछे पड़े हुए थे कि एक दिन वो घोड़े से नीचे गिरे, उस दिन उनकी आंखों से वो देख नहीं पा रहा था, उनकी रोशनी बिल्कुल आंखें जो है बिल्कुल वो अंधा हो गया, कुछ देख नहीं पा रहा था। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने बंदे को खड़ा कर दिया और उस बंदे ने आकर इसको ठीक कर दिया। उसके बाद पौलुस के अंदर इतना सामर्थ्य आके भर गया, इतना सामर्थ्य आके भर गया कि वचन में लिखा हुआ है लोग रूमाल कपड़े के टुकड़े लेके आते थे और पौलुस के शरीर पर इस तरह स्पर्श करा के ले जाते थे, और ये रूमाल और ये कपड़े के जो टुकड़े हैं जहां जहां पर भी ले जाते थे, बीमारों के शरीर पर स्पर्श कराते थे, वे सब के सब चंगे हो जाते थे। देखना जब यीशु किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है। एक और बंदा है, उसका नाम है बलदेव, बाइबल में नहीं है, वो उत्तराखंड में। हालेलुया, सुन रहे हो ना मेरी बात, सुन रहे हो मेरी बात। बलदेव जो है बाइबल में नहीं है, लेकिन बलदेव जो है एक ऐसा आदमी है, उत्तराखंड के जंगलों में रहा करते थे। मेरे बड़े भाई, ये मेरे पुलिस भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें देखकर मुझे बलदेव जी की याद आई। ये बलदेव ऐसा आदमी था, जंगलों में रहा करता था, चोरी डकैती करते थे, इनका बड़ा नाम था, लोग इनसे डरते थे, पुलिस इनके पीछे पड़ी रहती थी। एक बार क्या हुआ, पुलिस इनके पीछे पड़ गई और बलदेव जो है भागे 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 भागे, वो कहीं बचने के लिए भागे ताकि पुलिस ना देखें, वो भागे भागे आए तो उस समय उत्तराखंड में एक मैदान में इसी तरह कन्वेंशन हो रहा था, साधना चल रही थी, तो भीड़ की भीड़ जमी हुई है, इतने सारे लोग हैं। तो बलदेव जी के अंदर ये इतने अकल तो थी इनके अंदर, उन्होंने सोचा अब हजारों इकट्ठे हुए हैं, इनके बीच में घुस जाते हैं ताकि पुलिस को पता ना चले। और बलदेव जी भागे भागे इस मैदान में भीड़ के अंदर घुस गए। बलदेव जी को लग रहा था कि वो भाग रहा है, सच में यीशु उनको भगा रहा था, पीछे पड़ गए थे, क्या करे। बलदेव जी अंदर आए और जैसे ही अंदर आए हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। जैसे ही वो अंदर आए ताकि पुलिस को पता ना चले, अंदर आते ही वेदी पर से एक फादर, उस समय फादर कुरियाकोस फादर ने नाम लिया, इस समय इस मैदान में एक भाई है जिसका नाम है बलदेव, बचने के लिए भाग के घुसा है और वहीं पुलिस भी पीछे पड़ी हुई है ताकि कोई हमें ना समझे। तब वेदी पर से फादर बोल रहा है, कोई भाई है जिसका नाम है बलदेव,
उसको प्रभु अपने कार्य में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बेचारा पानी पानी हो गया, ऊपर से नीचे तक हिल गया, रूह कांपने लगा, जिंदगी में पहली बार उसे डर लगने लगा कि भरी भीड़ में भी परमेश्वर की नजरें उन्हें देख रही थी। परमेश्वर पीछे पड़ गए थे। आपको पता आज ये बलदेव जी क्या करते हैं? बलदेव जी ने कभी भी बाइबल पढ़ी नहीं है, लेकिन बलदेव जी आज जब वेदी पे खड़े हो जाते हैं, उनके सामने बाइबल लिखी हुई आती है। अनपढ़ आदमी है, स्कूल कभी गया नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, बाइबल खोलने से भी नहीं समझ में आएगा इन्हें, लेकिन वो प्रवचन देता है, बाइबल के वचन बोले जाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता है। लेकिन एग्जैक्ट अध्याय, कौन सा ग्रंथ, कौन सा अध्याय, कौन सा वचन, ये सब उनके मुंह से निकलता है। और इनका एक बेटा है पढ़ा लिखा, वो बाइबल खोल के पढ़ता है, पापा बिना देखे जो बोलता है बेटा देखे पढ़ लेता है। इसको कहते हैं परमेश्वर अगर एक बार पीछे पड़ गए तो जिंदगी बन जाती है। आमेन, बोलो आमेन, आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम एक बार खड़े हो जाते हैं, हम सभी लोग इस समय एक बार खड़े हो जाते हैं, अगले सेशन के लिए आते हैं वेदी पर। हमारे इस आश्रम के डायरेक्टर आदरणीय फादर बोबी, उनके लिए समय हम प्रार्थना करें। हमारे यहाँ पर धर्म बहन आई हैं, आप ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर जो है आपके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी को अपनाने के लिए, किसी को पाने के लिए, किसी को अपने पास लेने के लिए, वो कुछ भी कर लेते हैं। स्वर्ग छोड़ आया, यहाँ पर इस धरती पर आए, और जो सबका मालिक है, जिन्होंने धरती बनाई, जिन्होंने विश्व बनाया, जिन्होंने सागर बनाया, जिन्होंने पहाड़ियों को बनाया, जिन्होंने सब कुछ बनाया, उस मालिक ने हमारे प्रति प्रेम के वजह से इतना सा बच्चा बनकर धरती पर आ गए। इनको पागल ना कहें तो और क्या कहें, स्वर्ग छोड़कर कोई आ भी सकता है? आ गए, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए हदें पार कर लेता था। ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है हमारा, जो हमारे लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और ऐसे हद उसने पार कर दी कि स्वर्ग छोड़ के यहां पर आ गए। और कोई भी ईश्वर अगर अपने इन अपने बच्चों के लिए हदें पार करता है, उसका नाम है यीशु। और हदें उसने पार कर दी कि उसने अपना शरीर ही दे दिया, कोड़ों की मार खाई उसने, कपड़ा उतारा गया उसका, निंदा की गई उसकी, उनके सामने लोग सिर हिलाते थे, उनका उपहास किया जाता था, उनका शरीर खेत की तरह जोता गया था, उनके कंधों पे बोझल क्रूस रखा गया था। आंखें बंद करें सभी लोग, दोनों हाथों को छाती के बराबर हल्का सा उठाएं और फैलाएं। एक ऐसा ईश्वर जिसने हमारे लिए सारी हदें पार करी, एक ऐसा ईश्वर जो हमें वापस पाने के लिए कुछ भी करता है, एक ऐसा ईश्वर जिन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण स्वर्ग छोड़ धरती पे आए, एक ऐसा यीशु मसीह जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी और जिन्होंने अपने कंधे पे क्रूस बोझल क्रूस लिया, उस यीशु की हम याद करें, हम एक पल याद करें उस यीशु की, यीशु जिनके कंधों पे हमारे पाप की वजह से बनाया गया बोझल क्रूस रखा गया, जिनके सिर पे कांटों का मुकुट रखा गया, जिनका शरीर खेत की तरह जोता गया, जिनके शरीर से कपड़े उतारे गए, वो क्रूस पर ठोक दिए गए, नंगा लटकाया गया, जो हमें इतना प्यार करते थे कि हमारे लिए सब कुछ तैयार करने तैयार हुए, उन्होंने हम अपने प्रेम से हमारे लिए सब कुछ किया और हमने उनके प्रेम को टुकरा दिया और हमने उनको क्रूस पर ठोक दिए। और वहां से भी उन्होंने प्रार्थना की कि अब्बा इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा आए और वो हमें सब कुछ समझाएं कि यीशु की उस मृत्यु के महान रहस्य को समझना केवल पवित्र आत्मा जब आएगा हमें समझ में आएगा। और पवित्र आत्मा जब आएगा
प्रभु के वचनों का द्वार हमारे सामने खुल जाएगा। पवित्र आत्मा जब आएगा, वचनों का मर्म हमें समझ में आएगा। पवित्र आत्मा जब उतरेगा, वो हमें सब कुछ समझा देगा। पवित्र आत्मा जब आएगा, वो हमें सामर्थ्य से भर देगा। पवित्र आत्मा के लिए समय प्रार्थना करें। सभी लोग आंखें बंद करें। इस समय मेरे भाई और मेरी बहन प्रार्थना करे। सभी लोग प्रार्थना करें, उस यीशु से प्रार्थना करें जो हमारे लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है, हम उनकी याद करें। धीमी आवाज में सभी लोग स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग धीमी आवाज में स्तुति करते जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया का अर्थ है ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया का अर्थ है ईश्वर की स्तुति हो। इब्रानी शब्द हालेलुया का अर्थ है परमात्मा की स्तुति हो। हमें बनाने वाले की स्तुति हो। हमें संभालने वाले की महिमा हो। रखवाले की महिमा हो। उस परमात्मा की स्तुति हो। स्वयंभू की आराधना हो। उनकी स्तुति करें और जोर से स्तुति करते जाएं। हालेलुया। और ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएं। और ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएं। और स्तुति ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएं। और ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएं। वो पूरा पूरा खोले मेरे भाई। वो पूरा पूरा खोलिए मेरी बहन। उस परमात्मा की आराधना करे जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो हमें इतना प्यार करता है, हमारे लिए सारी हदें पार कर देते हैं। उनकी आराधना करे। हालेलुया सुदे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करते जाइए मेरी बहन। वचन का द्वार आपके सामने खुल जाए। जितने भी लोग गा सकते हैं गाइए इस समय। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. हाथ उठाकर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
यीशु की आत्मा, यीशु की आत्मा, यीशु की आत्मा, ताले बजाएंगे। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, 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 जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तेरी दया चाहते हैं, हम तेरी दया चाहते हैं, हम तेरी आशीष मांगते हैं, हम तेरी आशीष मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, Alleluia, 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 येसु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, रोगों को हम चरणों में लाए हैं, परिवार को हम चरणों में अर्पित करते हैं, हम तेरी आशीष मांगते हैं, हम तेरी दया चाहते हैं, हाथ उठाइए, हम तेरा नाम लेते हैं, हम तेरा नाम लेते हैं, जैसा बोलिए, हम यीशु नाम लेते हैं, हम यीशु यीशु बोलते हैं, हम यीशु नाम पुकारते हैं, यीशु
Yesu. 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 Hath jodi. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Increase my love for 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 you. यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ. यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ. यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ. यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ. यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ. यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ. यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ. यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ. आपके लिए मेरे प्यार बढ़ाइए. आपके लिए मेरा प्यार बढ़ाइए. आपके लिए मेरे प्यार बढ़ाइए. यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ. यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ. यीशु मैं आपका नाम लेता हूँ. यीशु मैं आपका नाम लेती हूँ. यीशु मैं आपकी स्तुति करता हूँ. यीशु मैं आपकी स्तुति करती हूँ. यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ. यीशु मैं आप पे विश्वास करती हूँ. यीशु मैं आपसे विनती करता हूँ. यीशु मैं आपसे विनती करती हूँ. यीशु मैं आपकी स्तुति करता हूँ. यीशु मैं आपकी स्तुति करती हूँ. ताली बजाएंगे. यीशु मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ. यीशु मैं आपके लिए ताली बजाती हूँ. यीशु मैं आपके नाम पे ताली बजाता हूँ. यीशु मैं आपके नाम पे ताली बजाती हूँ. यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ. प्यार करता हूँ. प्यार करती हूँ. मैं प्यार करता हूँ. मैं प्यार करता हूँ. यीशु नाम लेता हूँ. यीशु नाम लेता हूँ. यीशु नाम लेता हूँ. यीशु स्तुति करता हूँ.
उसकी महिमा गाता हूँ, उसका नाम लेता हूँ, यीशु नाम लेता हूँ, यीशु नाम लेता हूँ, यीशु नाम में मांगता हूँ, आशीष मांगता हूँ, आशीषों को मांगता हूँ, यीशु नाम पे मांगता हूँ, यीशु नाम लेता हूँ, यीशु दाएं हाथ उठाकर बोलेंगे और एक बार गाइए यीशु, फिर से गाइए यीशु, दोनों हाथ उठाकर गाइए और आवाज उठाकर गाइए, जोर से उसका नाम ले, हाथ जोड़कर नाम ले, हाथ जोड़कर ये सब कोई लीजिए, फिर से लीजिए और थोड़ी आवाज उठाकर, आवाज उठाकर, हाथ हिलाकर जोर से लीजिए ना, प्रभु हमें चंगा करने वाला है, नाम लीजिए, हाथ नीचे कीजिए और एक बार नाम लीजिए, बैठ जाइए, नाम लीजिए यीशु, फिर से लीजिए, बैठ जाइए, नाम लीजिए, जोर से लीजिए नाम, हाल के साथ ये, फिर से और एक बार, और एक बार, जोर से यीशु, 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 वचन 12, इसलिए यहूदी और यूनानी में अब कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है और उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। पवित्र वचन कहता है यहूदी और यूनानी में अब कोई भेद नहीं है, हिंदू मुसलमान ईसाई में कोई भेद नहीं है, असामीस और आदिवासी में अब कोई भेद नहीं है,
असम का हो या अरुणाचल का हो, अब कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेता है। हम सबों का प्रभु एक है, इसलिए वो सबों के प्रति उदार है जो उसके नाम लेते हैं। इन इंग्लिश इट इज लाइक दिस, ही बिस्टोस हिज रिचेस अपॉन ऑल हु कॉल अपॉन हिज नेम। അവന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും അവൻ സമ്പത്ത് വർഷിക്കുന്നു. ഹാലലുയ, ഹാലലുയ. All who call upon his name, he bestows his riches. जो कोई उसका नाम लेता है उन सबों पर प्रभु अपनी संपत्ति बरसाता है, स्वर्ग की संपत्ति वो बरसाता है। प्रियजनों, यीशु के नाम पर आशीर्वाद इकट्ठा करने के लिए पिता ने हमें एकत्रित की है, क्योंकि पवित्र वचन हमें बताते हैं आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए तो आप आए हैं विरासत के रूप में। विरासत के रूप में प्राप्त करने का मतलब ये हमारा हक है। पापा की संपत्ति पर बेटे को जिस तरह हक होता है, उसी तरह पिता ईश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे के लहू के द्वारा जो कुछ निर्धारित की है, हमारे लिए लाए हैं, उसको पाना मेरा और आपका हक है। चाहे आपका जन्म किसी भी परिवार में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में क्यों न हुआ हो, ईसा मसीहा के नाम पर पाप क्षमा, ईसा मसीहा के नाम पर बीमारी से चंगाई, ईसा मसीहा के नाम पर दुखों से मुक्ति पिता ने हम सभी लोगों के लिए एक विरासत के रूप में निर्धारित की है, उसको पाना मेरा और आपका अधिकार है, हक है। बोले हालेलुया। इसलिए तो यीशु मेरे लिए मरा है, इसलिए तो यीशु ने लहू बहाया है, इसलिए उसके बहाए गए लहू को मुझे बेकार में जाने नहीं देना है, बल्कि मुझे उसको दावा करना है और उसके दुख भोग के नाम पर पापों की क्षमा, श्राप से छुटकारा, पारिवारिक श्राप बंधनों से छुटकारा, हर प्रकार की बीमारी चाहे कितनी पुरानी क्यों न हो, चाहे कितनी बुरी क्यों न हो, कितने भयानक क्यों न हो, उससे छुटकारा और हर संकट से मुक्ति हम लोग दावा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम बुलाए गए हैं। मेरे साथ बोलेंगे सब कोई, दाएं हाथ उठाकर बोलेंगे, विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम बुलाए गए हैं। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3:9, आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। विरासत के रूप में आशीर्वाद, विरासत के रूप में चंगाई, विरासत के रूप में पवित्र आत्मा का अभिषेक, विरासत के रूप में घर में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पिता ने मुझे यहां बुला लाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। और से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोगों को विशेष रूप से चार बातों पर ध्यान देना जरूरी है।
विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चार बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से सीखना है। विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम बुलाए गए हैं, वो आशीर्वाद बीमारी से चंगाई है, पापों की क्षमा है, श्रापों से मुक्ति है, दुखों से छुटकारा है, घर परिवार के संकट से मुक्ति है। बोले आमीन। ये काम स्वीकार करने के लिए, विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हर एक व्यक्ति, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप कोई भी भाषा बोलने वाले हो, आप चाहे दूर से आए हो या पास के हो, शायद आसाम के हो, अरुणाचल के हो, किसी भी देश के क्यों ना हो, विरासत के रूप में ईसा मसीहा के नाम पर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पिता ने हमें बुलाया है। इसलिए वचन कहता है अब यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक है, जो कोई उसका नाम लेगा, प्रभु उनके प्रति उदार है, उनके प्रति उदार है। इसलिए पिछले 7 सालों में इस आश्रम में अनेक धर्म के लोग आए हैं, हर धर्म के भाई बहन आए हैं और आशीर्वाद यीशु के नाम पर प्राप्त होकर गए हैं। बोले हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई कुछ साल पहले यहाँ पर आए, 4-5 साल पहले आए, उनका कोई काम नहीं बनता था, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, उनका ग्रेजुएशन तो हुआ है, असामिस भाई है, वो शिवसागर के उस पार से आए थे और उनका काम नहीं बन रहा था। उसने कहा मैं तो सैकड़ों जगह में जाकर काम मांगा हूँ, इतने इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं होता। तो किसी ने उनसे कहा यहाँ पर मरगरिता में एक सेंटर है, वहाँ पर जाओ। तो वो यहाँ पर आया, हमसे मिला, उसने कहा मेरा प्रॉब्लम यही है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, लेकिन मेरे को काम नहीं हो रहा है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, इतने जगह में इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, सफलता नहीं हो रही है। बोले हालेलुया। मैंने कहा यीशु का वचन सुनिए, यीशु का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु उन सबों के प्रति उदार है जो उसका नाम लेता है। वचन कहता है ही बिस्टोस हिज रिचेस अपॉन ऑल हु कॉल अपॉन हिज नेम। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी संपत्ति बरसाता है, जो कोई उनका नाम लेता है उन पर पिता अपनी संपत्ति बरसाता है, स्वर्ग की संपत्ति। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर आया वो भाई, यहाँ पर प्रार्थना किया, साधना में भाग ली, 9 महीने जागरण में आकर प्रार्थना किया, 9 महीने जागरण में आके वचन सुना और यहाँ से चले गए। एक बार हमको फोन करके बताया मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, और केंद्र सरकार की ओर से एक नौकरी है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं तो सैकड़ों इंटरव्यू दिया हूँ। मैंने कहा अब आप यीशु के नाम पे जा रहे हैं, उसका वचन सुनकर जा रहे हैं, हिम्मत के साथ जाओ। आपको मालूम है 784 लोग, 700 शायद कितना कितना 84 784 लोग उसमें इंटरव्यू वगैरह के लिए भाग लिया। वो आदमी इधर आकर साक्षी दिया है, 784 लोग ये नौकरी के लिए आया, 2 सीट केवल खाली था, यानी 2 नौकरी है और इतने सारे लोग आया। ये भाई जो यहाँ पर आया, जो गोगोई भाई जो है इधर आया था, उसको पहला नंबर में नौकरी मिल गया। ताली बजाकर प्रभु को आज प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वो यहाँ आया नौकरी पाकर, यहाँ पर आए, अभी करीमगंज में वो काम कर रहा है, और यहाँ आकर साक्षी दिया, पत्नी बच्चे को लेके आया, प्रभु के नाम पर विश्वास किया। बोले हालेलुया। वचन कहता है अब यूनानी और यहूदी, ईसाई और मुसलमान और हिंदू, कोई भी हो, इसमें कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक है, वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसका नाम लेंगे, उसका नाम
पिता ने निर्धारित किया था। ओ नाम, ये क्रिसमस के समय में हमारे सामने प्रकट किया गया था 2000 साल पहले। इतिहास को दो टुकड़े में बांटते हुए वो आया, उसका नाम समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया गया। उसका नाम ईसा है, उसका नाम जीसस है, उसका नाम यीशु है, जिसके आने से पूरे इतिहास दो टुकड़ों में बांटा गया, यीशु के पहले और यीशु के बाद। बोले हालेलुया, हालेलुया। आज जब 2016 जब एक व्यक्ति लिखते हैं, वो व्यक्ति जाने अनजाने यीशु से रिश्ता जोड़ते हैं, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, जब 2016 लिखते हुए आप हस्ताक्षर करेंगे, कहीं भी शायद चेक में हो, कई अन्य किसी दस्तावेज में हो, आप अपना हस्ताक्षर डालेंगे और आज का तारीख डालेंगे, आप ये स्वीकार करते ईसा मसीह आने के बाद इतना साल और इतना महीना बीत गया। चाहे आप किसी भी धर्म का क्यों ना हो, आज का तारीख डालते समय क्या स्वीकार करते हैं, वो आया और तब से गिनती शुरू हो गई, फिर से शुरू हो गई। जो कोई ईसा मसीहा को स्वीकार करता है उसके जीवन में सब कुछ नया शुरू हो जाता है, क्योंकि बाइबल कहता है, यीशु ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। बोले हालेलुया। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 5 में लिखा है, वो स्वर्ग में जब संत योहन ने वो बात देखी कि स्वर्ग में सिंहासन में उपस्थित व्यक्ति ने कहा, देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं, सी आई मेक एवरीथिंग न्यू। बोलिए हालेलुया। सब कुछ नया बनाने वाले को जो कोई अपने जीवन में अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, उनके जीवन में पिता एक नया कार्य शुरू करना शुरू करेंगे, पाप क्षमा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आंखों से सब कुछ को देखने की कृपा मिलेंगे, सब कुछ नया नया दिखेगा। जो पहले मर जाने का मन करता था, अब उनको जीना है प्रभु के लिए। पहले क्रूस उठा नहीं सकता था, अब क्रूस उठाने में एक मतलब है, मकसद है, क्योंकि यीशु के साथ अब क्रूस उठा सकता है। पहले तो बेकार में आंसू बहाता था, आंसू में कोई मूल्य ही नहीं था, आंसू एक बोझ और श्राप थी। अब जो ईसा मसीहा में आएंगे, उनके आंसू कीमती है, मोती है। बोले हालेलुया। हर बूंद आंसू में मोती छिपी हुई है। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए वचन कहता है, विरासत के रूप में आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए आप बुलाए गए हैं। बोले आमेन। जैसे मैंने कहा, इसके लिए चार बात बाइबल में लिखी हुई है, विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना है। पेत्रुस का पहला पत्र 3 में वचन 9 में लिखा है कि विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करना, लेकिन उसके पहले वचन में यानी 1 पीटर 3:8 में लिखा है, अंत में यह, आप सबके सब एक मत रहना, एक मत, यूनाइटेड, टुगेदरनेस, कम्युनियन, एक मत, ये पहली बात है विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। पहली बात एकता, कम्युनियन। इसका मतलब क्या है? एक मत रहना। यीशु ने कहा, पृथ्वी पर 2 या 3 जन एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तुम्हें दिया जाएगा। जहां भाई बहन एक मत बने रहेंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। यीशु को एक बात सबसे प्रिय है, पवित्र आत्मा को एक बात सबसे ज्यादा प्रिय है, वो है एकता, कम्युनियन। उसके बिना पवित्र आत्मा काम नहीं करता, इसलिए होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ कम्युनियन। बोले हालेलुया। जहां एकता नहीं है, वहां पर विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर नहीं सकता। चाहे आप कोई भी धर्म के हो, चाहे आप कितना चिल्लाए, चाहे आप कितनी नोवेना करें, कितना उपवास करें, एकता नहीं है, पति पत्नी में एकता नहीं है, भाई बहन में एकता नहीं है, पड़ोसियों में एकता नहीं है, आपका किसी के साथ अभी एकता की कमी है, तब से यीशु के साथ आपकी रिश्ता टूटती है, आपको यीशु से कोई मतलब नहीं है। जो यीशु धरती पर एकता लेके आए हैं,
एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की बातें सिखाने आई है। जब आप एकता समाप्त होती है आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपको किसी के साथ नफरत आ जाते हैं, आपको किसी के साथ मेल मिलाप नहीं हो रहे हैं, किसी ने आपसे अलग होकर गया और आप सोचा अब मेरा क्या प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, उसको जाने दो, मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु ने कहा जब आपको किसी और को आपसे कोई शिकायत है आपको पता चला तो प्रार्थना नहीं करना, भेंट नहीं चढ़ाना, आराधना नहीं करनी, पहले जाना है और मेल मिलाप करके वापस आना है। यीशु जाने के पहले इस तरह विचलित हो गया था एक बार, वो प्रार्थना किया हम सभी लोगों के लिए, शिष्यों के लिए एक प्रार्थना की। योहन के पूरे अध्याय सुसमाचार के अध्याय 17 में पूरा अध्याय चैप्टर 17 ऑफ जॉन्स गॉस्पल पूरी एक प्रार्थना है, यीशु की प्रार्थना है, शिष्यों के लिए प्रार्थना है, हमारे लिए प्रार्थना है। उसमें उसने कहा मैं केवल इन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ जो मेरे अब मेरे शिष्य है, मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भी मेरे वचन सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। 2000 साल बाद भी, यानी यीशु 2000 साल पहले प्रार्थना किया, जो कोई मुझ में विश्वास करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो वो प्रार्थना में 5 बार प्रभु ने एक ही प्रार्थना दोहराई, 5 times ही रिपीटेड द सेम प्रेयर। वो प्रार्थना क्या थी मालूम, पिता वे सब के सब एक हो जाए। योहन के सुसमाचार के 17वां अध्याय में 5 times सेम प्रेयर द लॉर्ड हैज रिपीटेड, 5 बार एक ही प्रार्थना उन्होंने दोहराई है। वो प्रार्थना यही है, पिता वे सब के सब एक हो जाए, फादर that they all be one, just as we are one. हम जैसे एक है उसी तरह वे सब के सब एक हो जाए। बार बार एक ही प्रार्थना, जाने के पहले प्रभु पिता से दिल से अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, आहों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, पिता वे सब के सब एक हो जाए। इसका मतलब एकता बहुत ही जरूरी है। जितने परिवारों में एकता नहीं है, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है, दिल दिल से नहीं मिलता, देखना नहीं चाहता, जिस घर में एकता नहीं है वे विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए एकता के बारे में संत पेत्रुस के द्वारा पवित्र आत्मा कहते हैं, उसके बाद कहता है आप यही करने बुलाए गए जिससे विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। यहां आए हो प्रियजनों, विरासत के रूप में आप आशीर्वाद प्राप्त करके जाना चाहते हो, पहली बात कम्युनियन। बोले हालेलुया, हालेलुया, एकता, सामंजस्य, दिल दिल से मिलना चाहिए, मन मन से मिलना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए पहली बात जो है एकता, उसको दिल में छप जाने दे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दाएं हाथ उठाकर बोलिए हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका मनोभाव मुझको प्रदान कीजिए, हमारे बीच में एकता हो, भाईचारा हो, भ्रात प्रेम हो, एक दूसरे के साथ मिलनसार बने रहने के लिए मुझको आशीष दे, पवित्र आत्मा की शक्ति दे, जिससे मैं अपने परिवार में भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ एकता में, प्रेम में रह सकूं, जीवन बिता सकूं। हमारे बीच में एकता की जो भी कमी है, हे प्रभु, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, हमारे बीच में जो भी भेदभाव है, जो भी भेदभाव है, पक्षपात है, एकता की कमी है, पवित्र आत्मा को भेजकर उसे समाप्त कर दे। हालेलुया, जिससे हम
एकता में एक मत होकर पिता को पुकार सके, यीशु का नाम ले सके, प्रार्थना करते हुए विरासत के रूप में आशीर्वाद को दावा कर सके। हालेलुया, स्तुति करे, हालेलुया, हालेलुया। एकता की कमी ईसा मसीहा के सामर्थ्यवान नाम से इस समय हमसे दूर जाए। ऑल द डिविजन, ऑल द हेट्रेड, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई रिब्यूक यू पावर्स ऑफ डार्कनेस, पावर्स ऑफ इविल स्पिरिट्स ऑफ डार्कनेस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई रिब्यूक यू बाय द पावर ऑफ ऑर्डिनेशन कंफर्ड अपॉन मी, आई रिब्यूक यू इविल पावर्स ऑफ डिविजन, all that divides us right now leave us, there be communion, ekmat hokar prarthna karna hum seekhe, parivar mein ekta ho, pati patni ke beech mein ekta ho, bhai behan ke beech mein ekta ho, parivaron mein ekta ho, dost mitron mein ekta ho, dharm aur jati ke naam par जो भी अलगाववाद है, भिन्नता है, यीशु मसीह के सामर्थ्यवान नाम से, उनके वचन जिसकी घोषणा की जा रही है उसकी योग्यता से, हमारे जीवन से, यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के परिवार से मिट जाए। हालेलुया, जोर से ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, विरासत के रूप में आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए दूसरी बात, आप सबके सब एक मत, और दूसरी बात सहानुभूतिशील दयालु बने, सहानुभूतिशील, बोले हालेलुया। सहानुभूति दैट इज कंपैशन, पहली बात कम्युनियन, दूसरी बात कंपैशन, कंपैशन यानी दया, सहानुभूति, करुणा, इसका मतलब क्या है, आप गाली के बदले गाली ना दे, बुराई के बदले बुराई ना करे, शत्रुओं को क्षमा दे, जो लोग आप पर गुस्सा करते हैं उनको गुस्सा ना करे, जो आपको प्यार नहीं करते हैं उन पर तरस खाए, जो आपको तकलीफ देते हैं उनके लिए आशीर्वाद दे। वचन कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो, इस तरह स्वर्गीय पिता की संतान बन जाएंगे, इसी को सहानुभूति कहता है। सहानुभूति का मतलब, करुणा का मतलब, कंपैशन का मतलब, एक भिखारी को 10 रुपया देने वाली दया नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, एक बीमार आदमी है उसकी सहायता करना सब कोई कर सकते हैं, यदि कोई भीख मांगता है उनको कुछ 5 रुपया या 10 रुपया देना वो सब कोई कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जिस करुणा के बारे में हमें सिखाया, संत बापा ने पूरे 1 साल को करुणा के वर्ष के रूप में मनाने के लिए हमको सिखाया, हमको बताया, और हमने मनाई, और वो करुणा का दरवाजा आप कभी बंद नहीं करेंगे, संत बापा ने हम सभी लोगों को सिखाया। वो करुणा क्या है जिसके विषय में यीशु ने हमें सिखाया, वो यीशु ने कहा आप लोग पूर्ण बने जैसे स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है, ये कैसे संभव है, इसके लिए यीशु ने सिखाया आप दयालु बने जिस तरह स्वर्गीय पिता दयालु है, इसका मतलब क्या है, दया में पूर्णता, परफेक्शन इन कंपैशन, परफेक्शन इन मर्सी, वो क्या है, संत लूकस के द्वारा प्रभु का वचन हमारे सामने प्रभु रख रहे हैं कि ये करुणा में पूर्णता क्या चीज है। संत लूकस का अध्याय 6:27 में लिखा है, मैं आप लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते उनकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते उनके लिए प्रार्थना करो, ये 4 चीज एक साथ जब आएंगे उसको कहता है परफेक्शन इन मर्सी, पूर्णता, दया में पूर्णता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, शत्रुओं से प्रेम, बैर जो करते हैं उनकी भलाई, जो श्राप देता उनको आशीर्वाद, जो दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना, बोले हालेलुया। यीशु ने कहा जो तुम्हें प्यार करता तुम उन्हीं को प्यार करते हो तो पुरस्कार का क्या दावा कर सकता है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो इसमें क्या बड़ी बात है, सबको ऐसा करता है, बोले हालेलुया।
क्योंकि चोर तो साथी चोर को बहुत प्यार करता है। आतंकवादी लोगों में इतना मेलजुला इतना एकता होती है, एक साथ वो अपने एक दूसरे को प्यार भी करता है, एक दूसरे का नाम बोलने के पहले मर जाना भी चाहेंगे, वे एक दूसरे को धोखा नहीं देता, इतना प्यार विल्लो करते, लेकिन क्या फायदा है। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें किससे प्यार करना चाहिए, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। प्रभु ने कहा जैसे मैंने प्यार किया वैसे प्यार करो। बोले हालेलुया। यही एक नया नियम जिसो यीशु ने हमें सौंपा था। ए न्यू कमांडमेंट आई गिव यू, लव जस्ट एज आई हैव लव्ड यू। मैंने जैसा प्यार किया वैसे प्यार करना। उसने कैसे प्यार किया? वो अपने लोगों के पास आया, अपने लोगों ने उनको नहीं अपनाया, उन अपने लोगों ने उनको नहीं अपनाया, उनको यीशु प्यार किया, उनके लिए अपना लहू बहाया, उनके लिए प्रार्थना करते करते मरा। पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता क्या कर रहा है। इसलिए वचन कहता है जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते उनको आशीर्वाद दो, जो तुमसे बैर करते उनकी भलाई करो, शत्रुओं से प्रेम करो। यही है कम्युनियन, यही है कंपैशन, इसका मतलब दयालुता, दयालुता। इसलिए विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूसरी बात, दयालु बनो। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। कई लोग आते हैं प्रार्थना करते हैं लेकिन घर में कुछ नहीं मिलता है, उनको कुछ आशीर्वाद ही नहीं मिलता है, उनके जीवन में कोई बदलाव भी नहीं आता है। कारण क्या है? दया नहीं करता। गाली के बदले गाली देता है, श्राप के बदले श्राप देता है, कोई दुर्व्यवहार करता है हम भी जाकर दुर्व्यवहार करता है, वो ऐसा है इसलिए हम भी ऐसा रहेगा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी उनके साथ ऐसा करूंगा, उन्होंने जो भी हमारे साथ किया हम मरने पर भी नहीं भूलेंगे, इस तरह जो भी चाहे आप कोई भी धर्म के हो, जब आपके अंदर घृणा है, बाइबल कहता है जो अपने भाई या बहन से घृणा करता है वो हत्यारा है, किसी भी हत्यारा में आनंद जीवन नहीं हो सकता, किसी भी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है। Anyone who hates his brother or sister is a murderer, there is no eternal life in him। इसलिए प्रियजनों, जो हत्यारा है, जो हत्या की है, उन पर आनंद जीवन नहीं है, विरासत के रूप में आशीर्वाद वो प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितने जोर से पुकारे यीशु का नाम, चाहे जितना जोर से स्तुति करे हालेलुया, उस पर आशीर्वाद नहीं उतरते हैं। कारण यदि आपने अपने भाई या बहन से घृणा करता है और दया नहीं करता है, आप दूसरों की कमजोरी को बर्दाश्त नहीं करता है, दूसरों की कमी कमजोरी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करता है, दूसरों की बुराई को आप बुराई से आप उनका सामना करता है, तो आपको यीशु के साथ कोई लेन देन नहीं है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं, दयालु बनो जिससे विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करे। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करे। इसलिए हमें दयालुता के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। दाएं हाथ उठाकर बोलिए, हे प्रभु मुझे आपके जैसे बना दे, आपके जैसे दयालु बना दे, जो मुझ पर दुर्व्यवहार करते हैं, मुझे दुख देते हैं, मेरे साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उन्हें क्षमा देना मुझे सिखा दे, जिससे मैं विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरी बात बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन है, क्योंकि जो जीवन को प्यार करता है, सुख शांति देखना चाहता है, वो ना तो अपने जीभ को बुराई बोलने दे, ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। जो अच्छा जीवन देखना चाहता है, सुख शांति देखना चाहता है, जीवन को प्यार करता है, जीभ पर नियंत्रण रखना जरूरी है। ये तीसरी बात है, कंट्रोल ओवर टंग्स। पहली बात कम्युनियन, दूसरी बात कंपैशन, तीसरी बात कंट्रोल ओवर योर टंग, जीभ पर नियंत्रण। इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 1:26 में अध्याय 1:26 में लिखा है, यदि कोई अपने को धार्मिक समझते हैं किंतु अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता है,
वो अपने को धोखा देता है, उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। जीभ पर नियंत्रण जो नहीं रखता उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। एनीवन हु डस नॉट कंट्रोल हिज और हर टंग इज रिलीजियन इज वेन, रिलीजियस एक्टिविटीज आर वेन, उसकी प्रार्थना बेकार है, उसका धर्माचरण व्यर्थ है, उसका मालाविंदी, उसकी मालाविंदी प्रार्थना से कोई आशीष नहीं होंगे। वो चाहे कितने भी रिट्रीट में आए कोई फायदा नहीं होगा, कितने जोर से पुकारे यीशु का नाम उसके लिए कुछ आशीष नहीं उतरेंगे, क्योंकि जीभ पर नियंत्रण जो नहीं रखता उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। कई लोग इतनी प्रार्थना करता है लेकिन उसका घाव नहीं सूखता, बीमारी चंगे नहीं होती, उसके जीवन में आशीर्वाद नहीं है। कारण भुनभुनाने की कुड़कुड़ाने की आदत पर नियंत्रण नहीं रखा। घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है श्राप देता है, मुंह से गलत शब्द निकलते हैं मृत्यु की बात, मरने के बारे में और श्राप का शब्द, गाली गलौज की बातें मुंह से निकलते हैं, जिसके चलते आशीर्वाद समाप्त हो जाती। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाएगा, कौन मेरे मुंह पर सावधानी की मुहर लगाएगा, जिससे मैं उनके द्वारा पाप न करूं और मेरी जिह्वा मेरा विनाश नहीं करे। प्रियजनों, झूठ बोलने की आदत, अश्लील बातचीत, गुस्सा का शब्द, गाली गलौज, कुटकुटाना, भुनभुनाना, श्राप का शब्द, जिसके चलते सारी आध्यात्मिक जीवन वहां पर समाप्त हो जाती है। कितनी प्रार्थना आप करते हैं आशीर्वाद नहीं है, कितने रिट्रीट में भाग लिया बेकार में चले जाते हैं। कारण क्या है? जीभ पर नियंत्रण नहीं है। बाइबल कहता है जो जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता उसका धर्माचरण व्यर्थ है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा का आदर करने के लिए एक विशेष कार्य करना है, वो है जीभ पर नियंत्रण। इसलिए पवित्र आत्मा और जीभ में बहुत गहरी रिश्ता है। बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति की जीभ में पवित्र आत्मा रखता है, सबसे पहले जीभ में ही आशीर्वाद देता है सबसे पहले। बोलिए हालेलुया, और से बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। चौथी बात यही है, बुराई से दूर रहना, विशेषकर बुरी दोस्ती से दूर रहना। आत्मा का अभिषेक विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने वालों को चाहिए, वे बुरी रिश्ते को यानी पाप की ओर ले जाने वाले रिश्ताओं को आप त्यागे, आपको त्यागना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहता है प्रवक्ता ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ में हम आपके लिए पढ़कर सुनाते हैं एक प्रभु का एक वचन, उसमें लिखा है पापियों की संगति छोड़ दो, याद रखो क्रोध में अब देर नहीं होगी। पापियों की संगति छोड़ दो, याद रखो क्रोध में देर नहीं होगी। अध्याय 7 वचन 17 और 18। अनेक लोगों को पवित्र आत्मा की दोस्ती, आत्मा का अभिषेक इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वे पाप की दोस्ती, पाप की दोस्ती को छोड़ने को तैयार नहीं है। पापियों की संगति छोड़ दो, याद रखो क्रोध में देर नहीं होगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, येसु की स्तुति हो, येसु को धन्यवाद। गलत दोस्ती, अनेक लोग इधर आकर ट्रेन में भाग लेकर बहुत अच्छे होकर लौटते हैं और फिर से खराब चीजों में क्यों लौटते हैं? संगति खराब है। जो लोग नशा लेते हैं, आज भी एक बैठे को हमने देखा, यहाँ पर हमसे मिलने आए और बहुत अच्छा लड़का था, यहाँ से मदद भी हम उनका करता था पढ़ाई के लिए। बोले हालेलुया, बीच में हमको पता चला पढ़ाई छोड़कर अरुणाचल तरफ कहीं काम में लौटा है, भागा है, और हमने एक चिट्ठी उनके लिए भेजी, इधर कहीं बैठा हुआ हो चिट्ठी भेजी और बोला आ जाकर हमसे मिलना, और आज आए। और मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है, तुम नशा कैसे शुरू किया, गुटखा सादा कैसे शुरू किया, कैसे पढ़ाई छोड़ दी, कैसे तुम ऐसा भाग गया? वो बोल रहे संगति खराब था इसलिए फादर। हालेलुया, दोस्ती खराब था इसलिए सारी अच्छाई छोड़कर चला गया। विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे वे लोग जिनकी दोस्ती खराब है। इसलिए प्रियजनों, बाइबल कहता है पापियों की संगति छोड़ दो, पवित्र आत्मा की दोस्ती चाहिए, गलत दोस्ती को छोड़ना पड़ेगा।
नशा लेने वालों की संगति करने से आप भी नशा करेंगे। बहुत क्रोधी उग्र व्यक्तियों की, बाइबल कहता उग्र व्यक्तियों की संगति नहीं करना, नहीं तो तुम भी उनकी तरह हो जाओगे। उनके अंदर जो दुष्टात्मा हो तुम्हारा हो जाएगा, उनके अंदर नशे की आत्मा वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा। इसलिए पाप की दोस्ती जो नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर के आशीर्वाद से वो हमेशा वंचित रहेंगे। चाहे कितने भी दया मांगे, चाहे कितने भी आशीर्वाद मांगे, उनकी बीमारी समाप्त नहीं होगी, उनका प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा जब तक आप गलत दोस्ती नहीं छोड़ता हो। बोले हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये चार बातों पर ध्यान देंगे, विरासत के रूप में आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक नया कार्य करना चाहते हैं, ये सबके लिए लागू है, कोई भी धर्म के हो। बाइबल कहता है अब यहूदी और यूनानी में कोई भेदभाव नहीं है, सबका प्रभु एक है। वह उन सभी लोगों के प्रति उदार है जो उसका नाम लेंगे। ही विल बिस्टो हिज रिचेस अपॉन ऑल दोज हू कॉल हिज नेम। उनका नाम प्यार से लेना, विश्वास के साथ लेना और विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करना। प्रियजनों, हमारा बीमार रहना प्रभु नहीं चाहता है, वो हमारा पीछा पड़ा हुआ है। आज आपको वचन दिया गया, वो हमारा पीछा पड़ा हुआ, हमारे लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम जहां जहां पड़े हुए वहां पर वो पहुंच जाते हैं। वैश्यालय में चला जाता तो वहां पर चला आया, दारू के अड्डे पे हम गिर गए हैं वहां पर चला आता है। उनको हमारी जरूरत है, ही नीड्स यू। हम तो गधे की तरह है, लेकिन इस गधे को प्रभु को जरूरत है, इस गधे की। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तो बहुत धक्के मांदे थे, लेकिन हमारी उसको जरूरत है, उसको हमारी जरूरत है, इसलिए वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। प्रभु हमसे ये चार बातें मांगते हैं। प्रियजनों, प्रभु के लिए हम अपना भेदभाव को छोड़ दे। ये ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति, उनके साथ हमारा वो नहीं है, नहीं बोलना। सबों पर हम दया करें। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल गहरे दोस्ती में चला नहीं जाना जिनके साथ जिनकी बुराई है, जिसके पाप की आदत लेकर घूमने वालों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर मानकर उनके साथ नहीं चलना चाहिए। बोले हालेलुया। अब हम प्रभु येसु का स्वागत करें हमारे बीच में। येसु आ रहे हैं परम प्रसाद में, उनके साथ हमारी दोस्ती हम जोड़े, उनको हम अपनाएं, उनको अपने दिल में बुलाएं। सब लोग खड़े हो जाए। बोलिए हे प्रभु येसु, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे परिवार में। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए प्रभु, आइए यीशु, हमारे पास आइए। हालेलुया। जो मेरे दाहिने हैं आप अपने दाए और मुड़िए, राइट साइड। जो मेरे बाएं हैं आप अपने बाई और मुड़िए, लेफ्ट साइड। जब यीशु आपके ठीक सामने आएंगे, जब आपके एकदम फ्रंट में आएंगे, उस समय में आप घुटने टेकेंगे। बोले हालेलुया। जब आपके पास यीशु आएंगे, उस समय आप घुटने टेकेंगे और सिर झुकाएंगे और फिर खड़े होकर आगे देखेंगे। आपके पास तक जीसस नहीं आएंगे तब तक खड़ा रहना उसके आदर में, और जब जीसस जब पास में आएंगे उस समय घुटने टेकेंगे, सिर झुकाएंगे, यीशु का आदर करेंगे और फिर खड़े होकर आगे देखेंगे। अब हाथों को जोड़िए, प्रभु का हम स्वागत करें। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरी मन में आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए,
हमारे बीच में आ रहे उसका हम स्वागत करें। प्रभु आ जाइए मेरे मन में आ जाइए, यीशु प्रभु आ जाइए मेरे मन में आ जाइए, यीशु प्रभु बीच में आ रहे हैं। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो मेरा ईश्वर है जिसने मेरे लिए लहू बहाया था, मेरे लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो आज मेरी खोज में आ रहे हैं, मुझे बचाना चाहता है, मेरे घर की परेशानी से मुझे छुड़ाना चाहता है। मेरा क्या औकात है कि मैं उसकी पवित्रता के सामने खड़ा हो जाऊं, लेकिन वो मुझे इतना प्यार करता है, मेरी कमजोरियों के बावजूद मुझे हाथ तो पकड़ कर उठाने के लिए वो आ रहा है। जहां मैं गिरा हुआ था वहां पर वो आ रहा है। उसके लिए हृदय के द्वार खोल दे, उसके लिए हम अपने को तैयार करें, उनके लिए हम अपना जीवन सौंप दे, उसके चरणों पर अपने आप को सौंप दे, उसके चरणों पर दंडवत करें, अपने आप को उनके सामने समर्पित करे। विश्वास के साथ दोहराइए, वो आएगा क्योंकि वो दया का सागर है, दयालु है, वो हमें बचाने आ रहा है।
की ओर देखिए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। खड़े हो जाइए, प्यार से हाथों को जोड़िए और एक बार गाइए जोर से, पवित्र। I would invite all the reverend fathers to come onto the stage. Pavitra pyar se bhar dijiye, phir se gaiye pavitra. फिर से गाइए पवित्र प्यार से, बड़े आग्रह के साथ मांगिए, अपने हाथों को उठाइए और एक बार गाइए पवित्र। एक बार स्तुति कीजिए, हालेलुया, उठाइए और उठाइए जोर से, ताली बजाएंगे, ताली बजाकर पावन लहू से होने वाला
मुझे देने वाले पावन लहू से होने वाले पावन आत्मा मुझे देने वाले पावन लहू से होने वाले पावन आत्मा मुझे देने वाले होने वाले पावन आत्मा मुझे देने वाले गए पावन तेरे सिवा कोई नहीं तेरे सिवा मेरा कोई नहीं तेरे सिवा कोई नहीं तेरे सिवा मेरा कोई नहीं तेरे सिवा कोई नहीं तेरे सिवा मेरा कोई नहीं तेरे सिवा मेरा कोई नहीं तेरे सिवा मेरा कोई नहीं तेरे बिना मेरा कोई नहीं तेरे बिना कोई नहीं तेरे बिना मेरा कोई नहीं यीशु प्रभु आ जाइए मेरे घर में आ जाइए यीशु प्रभु आ जाइए मेरे घर में आ जाइए पवित्र प्यार से भर दीजिए पवित्र ने आ जाइए पवित्र प्यार से भर दीजिए पवित्र करने आ जाइए हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु येसु के नाम पर आशीर्वाद दावा हम कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए लोग हैं हम। प्रिय भाई और बहनों, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए विश्वास एवं भरोसे के साथ यीशु का नाम लेते हुए पिता से हम उन आशीर्वादों को दावा करें जिनकी प्रतिज्ञा उन्होंने पवित्र धर्मशास्त्र के जरिए कर चुका है, पवित्र वचन के द्वारा हमसे की गई इन प्रतिज्ञाओं को हम इस समय दावा करें और बड़े विश्वास के साथ हम पुकारे यीशु का नाम, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है वह उन सबों के निकट है जो उनकी दुहाई देता है, और जो कोई यीशु के नाम की दुहाई देगा वे सब बच जाएंगे, वे सब मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह उन सभी लोगों पर अपनी संपत्ति बरसाता है जो उसका नाम लेता है। He bestows his riches upon all who calls upon his name. इसलिए बड़े भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ ईसा मसीहा का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठाए रखेंगे, मुंह खोलेंगे, आवाज उठाएंगे, यीशु को अपने अपने भाषा में जिस प्रकार आपने यीशु को पुकारा है, यीशु हो, ईसा हो, जीसस हो, जोर से यीशु का नाम पुकारेंगे, आंखें बंद करेंगे एक बार और मुंह खोलेंगे, हाथों को फैलाएंगे, जीसस, कॉल अपॉन द नेम ऑफ जीसस, एवरीवन हु कॉल्स अपॉन द नेम ऑफ जीसस विल बी सेव्ड। यीशु, आवाज उठाइए, सभी लोग आवाज उठाकर पुकारिए, पुकारिए, आवाज उठाइए, यीशु। यीशु तेरा नाम झंझा करने वाला, yeah।
Hallelujah. 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 अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना कीजिए. अपने हाथों को जोड़िए. अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करते हुए मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैंने आपके नाम के विरुद्ध, आपके वचन के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध जो भी पाप और अपराध किया है स्वीकार करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके बहाए गए पवित्रतम रक्त की अनंत योग्यता मुझको पाप क्षमा दिलाए. हालेलुया. हे प्रभु यीशु, आपके नाम पर मैं पाप क्षमा मांगता हूँ. पिता ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मुझे पापों के अनुसार दंड ना मिले बल्कि आपके आनंद प्यार के अनुसार, आपके नाम के अनुसार मुझ पर दया की जाए, पाप क्षमा यीशु के लहू के कारण मुझे मुफ्त में मिल जाए. हालेलुया. 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 दाएं हाथ उठाकर बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ. आपके वचनों पर मेरा विश्वास है. आपके बहाए गए लहू पर मेरा भरोसा है और मैं आपको पूरे दिल से प्यार करता हूँ. हालेलुया. हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ. मेरे प्यार को बढ़ाइए. हालेलुया. हालेलुया. पिता ईश्वर पर मेरा विश्वास है. उसके प्रेम पर मेरा विश्वास है. पवित्र आत्मा पर मेरा विश्वास है. हे पवित्र आत्मा, मेरा शरीर आपका मंदिर है. मेरा शरीर आपका मंदिर है. इस मंदिर में आपकी महिमा प्रकट होने दे. हालेलुया. जोर से बोले हालेलुया. हालेलुया. दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है. मंदिर में ईश्वर की महिमा प्रकट होने दे. हालेलुया. बीमारी की आत्मा को, बुराई की आत्मा को, विशेषकर नशेबाजी की आत्मा, अशुद्धि की आत्मा, गुस्सा और बदले की आत्मा, आलसीपन और पेटुपन की आत्मा, घमंड और लालच की आत्मा को मैं आदेश देता हूं, मेरे शरीर को छोड़ दे, मेरे जीवन को छोड़ दे, क्योंकि मैं ईसा मसीहा को अपने एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूं. उसके नाम से हे दुष्ट शक्तियां, तुझे आदेश देता हूं, मुझे छोड़कर यीशु के क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए बंध जाए, कभी वापस ना लौटे.
हालेलुया, क्योंकि मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूं। हालेलुया, विरासत के रूप में आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आया हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु के नाम की महिमा करिए और जोर से, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय अगले प्रार्थना में भाग लेने के पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बीच में जो खंभे है उसके पास से हमें एक जन को जाने की रास्ता छोड़कर खड़े रहिए। वहां पर जो खंभा है बीच में, उसके बीच में से जगह बनाकर जाइए, जगह बनाइए। वॉलंटियर्स पर भी ध्यान दें, जगह बनाइए। हाथों को जोड़ रखिए। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके साथ किसी प्रकार की मनमुटाव, क्रोध, बदले की भावना, गुस्सा आपको है, क्षमा नहीं दे पाया। ऑल दोज पीपल हु हैव ब्रॉट पेन इन टू योर लाइफ, ऑल दोज पीपल बिकॉज ऑफ हुम यू हैड वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, यू शेड टीयर्स, यू स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स, यू हैव गॉन टू बेड विदाउट टेकिंग फूड बिकॉज ऑफ मेनी पीपल, एंड नाउ वी प्रे फॉर द। हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जिनके द्वारा हमको दुख हुआ है, जिन्होंने हमारी बेइज्जती की है, जिन्होंने हमें बदनाम किया है, जिन्होंने हमारे घर में दुख पहुंचाए हैं, और अपनी ईर्ष्या के कारण हमारी कोई गलती ना होने के बावजूद हम पर अत्याचार की है। यीशु के नाम पर उन्हें पूर्ण क्षमा हमें देना है, जिससे हम विरासत के रूप में उन आशीर्वाद को प्राप्त करें जिनको हमें दिलाने के लिए यीशु सूली पर मरा था और अपने शत्रुओं को क्षमा देते देते मरा था। प्रिय भाई और बहन, यदि आप यीशु के पक्ष में हैं, यदि आपको यीशु से कोई रिश्ता है, यदि आप यीशु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं और उसको प्यार करते हैं, तो उनके वचनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरे वचन का पालन करोगे। इसलिए कि हम यीशु को प्यार करते हैं, हम उनके वचन का पालन करें, और उनका आदेश यही है, जैसे उसने हमें क्षमा किया वैसे हम भी दूसरों को क्षमा दें। जैसे उसने, जब हम शत्रु ही थे, हमें आकर प्यार किया, हमारे शत्रुओं को हम भी जाकर प्यार कर सके। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ईसा मसीहा के नाम पर हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, घुटने टेके, और जैसे यीशु के सूली के नीचे हम लोग खड़े हैं, हम सभी लोग इस समय उन सारे लोगों को क्षमा देते हुए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही खराब कार्य किया हो, हमें दुख दिया हो। हम पुरोहितगण इस समय यहाँ से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे आप बैर छोड़ पावे, आप क्षमा कर पावे, दैट यू मे रिलीज अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, दैट वी आर प्रेइंग बाय द पावर ऑफ ऑर्डिनेशन कन्फर्ड अपॉन अस। हमें प्राप्त पुरोहिताय अधिकार के साथ हम आपके ऊपर इस समय आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे आपके गुस्सा की आत्मा, बदले का भाव, नफरत के दुष्ट आत्मा आपको पूरा पूरा छोड़कर आप स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए। पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ, भाई बहनों को आपस में, और पड़ोसियों के साथ या माता पिता के साथ, आपका जो भी क्रोध है, जो भी शिकायत है, जो भी गुस्सा है, बैर है, बदले की भावना है, इस समय यीशु के नाम पर हम छोड़ पावे। अपने दोनों हाथों को अपने छाती से लगाए, अपनी आंखें बंद करे, दोनों हाथों को सीने से लगाए, आंखें बंद करे, इस समय आग्रह के साथ प्रार्थना करें। कोई भी इस समय प्रार्थना के लिए आए, कोई भी इस समय मोबाइल पर फोटो ना ले, मोबाइल अपने जेब में रखे और इस समय प्रार्थना करें। आराधना के इस दौरान
प्रार्थना में आए हुए कोई भी इस समय मोबाइल में फोटो ना ले और ना वीडियो ले, और जिनको केवल अधिकार दिया गया उन्हें छोड़कर अब प्रार्थना में आए हुए कोई भी भाई बहन इस समय मोबाइल ना चलाए और अपने मोबाइल को जेब में रखे, हाथों को सीने से लगाए, अपने आंखें बंद करें। इस समय हम लोग प्रार्थना करें क्षमा की आत्मा, इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक आप लोगों को मिले, जिससे क्रोध की आत्मा, गुस्सा की आत्मा आपको हमेशा के लिए छोड़े। बहुत जल्दी गुस्सा आने का स्वभाव, क्रोध की बदले की भावना, गाली गलौज की आत्मा और श्राप देने की आत्मा, छोटी सी बातों पर भड़क उठने की आत्मा इस समय आपको हमेशा के लिए छोड़ दे। आग्रह के साथ प्रार्थना करें, जिसने निंदा की, जिसने हमारा घायल किया, उन सभी लोगों को यीशु के नाम पर क्षमा देते हुए प्रार्थना करना। यीशु ने वो प्रार्थना क्रूस पर किया, और वही प्रार्थना हमें भी करना है। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानता है कि वे क्या कर रहे हैं। दिल से क्षमा कीजिए, इसलिए तो हम बुलाए गए हैं, जिससे हम विरासत के रूप में वो आशीर्वाद प्राप्त करें जिनकी उसने प्रतिज्ञा की है। इसलिए यीशु का नाम लेकर मन ही मन प्रार्थना करते जाए। हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको दुख दिया, उन लोगों का नाम ले जिन्होंने आपको बदनाम किया, बीते दिनों में आपको धोखा दिया, आपके साथ अशुद्ध काम किया, आपके साथ शायद जो भी बुराई का कार्य किया हो, उनको याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वे नहीं जानते थे वे क्या कर रहे हैं, आपको दुख दिया, आपको प्यार नहीं किया, आपको शादी करके शायद घर में लेके आए, लेकिन उसके बाद दुख ही दुख आपको मिला। शायद आपके माता पिता से आपको इतनी दुख मिला हो, या आपके भाई बहनों से दुख मिला हो, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। यदि किसी के साथ आपका नफरत है, बातचीत बंद था, इस समय यीशु के नाम पर प्रार्थना करें, जिससे क्षमा की आत्मा आप पर उतरे, क्षमा की आत्मा आप पर मंडराए। इस समय प्रार्थना करते जाइए। हे पिता, मेरे साथ बोले हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मैं भी उन्हें क्षमा देता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं शत्रुओं को क्षमा देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, पूर्ण क्षमा का वरदान, पूर्ण मेल मिलाप का वरदान मुझको प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपके वायदा किया हुआ सभी आशीर्वादों को दावा कर सको। हालेलुया, और विरासत के रूप में आशीर्वाद को प्राप्त करूं, चंगाई को प्राप्त करूं, घर में आशीर्वाद प्राप्त करूं। हे पिता, यीशु के नाम पर मैं उन सारे लोगों को क्षमा देता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है, जिन्होंने मुझे बदनाम किया है। हे प्रभु, उन्हें क्षमा दे। हालेलुया, यीशु के नाम पर गुस्सा की आत्मा, घृणा की आत्मा, बदले का मनोभाव मुझे छोड़कर उसके नीचे हमेशा के लिए बंद हो जाए, अभी वापस ना लौटे, जिससे मैं यीशु का अनुभव, यीशु का प्यार का अनुभव हमेशा कर सकूं, उसके अनुग्रह को दावा कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाकर स्तुति कीजिए। हालेलुया, आवाज उठाइए, स्तुति स्तुति स्तुति, जिसने निंदा की। हालेलुया, आवाज उठाइए जोर से, हाथों को जोड़िए। आपके बीच में जितने लोग किसी भी प्रकार की नशा, नशे के बंधन में से जकड़ा हुआ है, अल्कोहलिक एडिक्शन और किसी प्रकार के नशा क्यों ना हो, गुटखा, सादा तामूल, खानी और हड़िया दारू के बंधन से बाहर आना चाहता है, जकड़े हुए लोग प्रभु के नाम पर आजाद होना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है,
गुलामी से बाहर आना चाहता है वे सब के सब ईमानदारी से खड़े होकर प्रार्थना करे, बाकी लोग घुटने में उनके लिए प्रार्थना करे। गुटखा, तामूल, तंबाकू, सादा हड़िया, दारू, बीड़ी, सिगरेट, खानी इत्यादि जो भी नशा चीज है, जो आपको गुलाम करके रखा है, काफी साल से आपको बांध कर रखा है, जिसके चलते आप पवित्र आत्मा की आजादी को, प्रेम को, आनंद को महसूस नहीं कर पा रहा था, आज यीशु के नाम पर उन्हें छोड़ना चाहता है, वे खड़े हो जाए। हम पुरोहितगण, हमें प्राप्त पुरोहित अधिकार में बिशप स्वामी जी की उपस्थिति में हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखिए, क्योंकि ये गुलामी को चिन्ह है। हम दो बंधे हुए हैं, हम दो बोझ उठा रहा था ये नशे, हम छोड़ना तो चाहता था लेकिन हमें पीछा कर रहा है। आज हमारे प्रभु का स्पर्श हम भर पड़े। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, आप लोग मन ही मन स्तुति करता रहना। इस समय मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्यारे बिशप जी को एक प्रार्थना आपके लिए करें, जबकि हम सभी पुरोहितगण आपके ऊपर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फादर्स टू कम दिस साइड प्लीज एंड वी विल प्रे। हम लोग हमें प्राप्त पुरोहित अधिकार को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग विश्वास को इस समय प्रकट करते हुए मन ही मन स्तुति करता जाना। इस समय बिशप जी एक प्रार्थना आपके लिए, छुटकारे की प्रार्थना, एक डिलीवरेंस की प्रार्थना जब कर रहे हैं, हम पुरोहितगण बड़े विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, हमें प्राप्त पुरोहित अधिकार के साथ आप प्रिय बंधुओं के लिए, प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे आप जो गुलामी में फंसा हुआ है, एक गुलामी से आपको छुटकारा मिले, आपको छोड़कर नशे की आत्मा इसी वक्त भाग उठे, भाग कर चले जाए। इस समय आप लोग स्तुति करते रहेंगे, हालेलुया, मन ही मन स्तुति करते जाए, आग्रह के साथ पाप छोड़ने का निर्णय इस समय दोहराते जाए। इस समय बिशप जी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम पुरोहितगण आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। आज हम हमारे सामने उपस्थित है रोटी के रूप में, हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तू इस दुनिया में जबकि आए, हर प्रकार के दुख तकलीफों को मनुष्य में जो था उन सबों को तूने हटा दिया है, उनको मुफ्त किया है, उनको चंगा कर दिया है। हमारे भाई और बहन यहाँ उपस्थित हैं जो तू से विशेष प्रार्थना करते हैं कि उनके जो दुरात्मा है, जो जो दुर्नीति सब है, उन सब को हुए स्तुति 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 करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तू हमारे बीच में रह के सब जो बड़े विश्वास के साथ तेरे पास आए उनको चंगा कर दिए, उनके साथ में तू अपने जीवन को बिताए, उन्हें अपने जीवन ही को दे दिए। आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं हमारे भाई और बहन जो अपने दुख तकलीफों को ले कर तेरे पास आए हुए हैं, हे प्रभु उनके ऊपर में दया कर, हे प्रभु उनके ऊपर में अपनी कृपा आशीर्वाद प्रदान कर, हे प्रभु उनके दिल में अपने जीवन को दे दे, हे प्रभु उनके साथ में रह कि वे तेरे साथ में हमेशा रह के तेरे ही जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ते रहे। हे प्रभु हमारे बीच में हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी पापी हैं, हम सभी दुरात्माएं से दबे हुए हैं, हम सब उनका कुछ ना कुछ दुख तकलीफें हैं। हे प्रभु तू दयालु है, हे प्रभु तू हम सबों को प्यार करता है, हे प्रभु तू हमारे साथ में रह के अपने जीवन को देने चाहता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख तकलीफ है, जो भी बीमार आजार है, जो कुछ भी हमारे दिल में है जिसके द्वारा तुझे अप्रसन्न होता है, जिनके द्वारा उसको हम प्रशंसा नहीं कर सकते, हे प्रभु उन सबको तू क्षमा कर दे और हमारे ऊपर में अपने विशेष दयालुता को प्रकट कर, प्रदान कर, और हम तेरे साथ में जीवन को बिता सकेंगे। हे प्रभु तुझे धन्यवाद, हे प्रभु तुझे धन्यवाद ये चंगाई के लिए, हे प्रभु तुझे धन्यवाद ये चंगाई के लिए,
अपने हाथों को जोड़िए, घुटने टेके, हमारे साथ में हमेशा डेरा करते बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया। बोलिए हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। जो लोग शरीर में किसी प्रकार की बीमारी से परेशान है वे इस समय खड़े होकर प्रार्थना करें। बीमार लोग फिर से खड़े हो जाए, विश्वास के साथ खड़े हो जाए, भक्ति के साथ खड़े हो जाए, आग्रह के साथ, चंगा होने का आग्रह के साथ। ऑल द सिक एंड द सफरिंग प्लीज कीप स्टैंडिंग। विश्वास के साथ चंगाई मांगिए, भक्ति के साथ, आग्रह के साथ चंगाई मांगिए। हम पुरोहितगण, हमें प्राप्त पुरोहिताई अधिकार के साथ, इस समय बिशप जी के पुरोहित अधिकार के साथ हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी बीमारी इस समय आपको छोड़कर इस समय चले जाए। जो कुछ प्रभु का नहीं है, जो प्रभु ने नहीं चाहा आपके लिए, इस समय आपसे अलग हो जाए। जो पौधा पिता ने रोपा नहीं है उखाड़ दिया जाए। ऑल दोस प्लांट्स विच आर नॉट प्लांटेड बाय द हेवनली फादर बी अप्रूटेड right now by the power of ordination conferred upon me, sharing that same power with our dearly beloved Bishop Ji and all the fathers present here. I rebuke the evil powers of sickness right now. I rebuke you and I command you, get out of us. We belong to Jesus Christ. Get out of the people present here, because we belong to Jesus Christ. We are called to be free. We are called to be healed. Isa Masiha ke naam par uske pavitra lehu ki yogita se unke kode khaye jane ki ananda yogita dwara is samay hum changai mangte hain. Rogi change hone de, dukhiyon ko dilasa mile, sharir ki bimariyan Isa Masiha ke naam par hame chhod kar chale jaye. Subhanallah malheria, subhanallah malheria. Hallelujah. Stuti kare, sabhi log stuti kare, haath utha kar stuti kare, dono haath uthaiye stuti kare. Subhanallah malheria. Hallelujah, 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 riya 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 riya. We claim healing, we claim miracles, we claim deliverance. Stuti, 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 stuti. हाथों को जोड़िए, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का पावन लहू। आपके हाथ में कोई रोजरी है जिस पर आशीर्वाद मांगना चाहते हैं, तेल है, पानी है, या यहाँ से कुछ वस्तुएं खरीदे जिस पर आशीष चाहिए, इस समय अपने हाथों में लेकर सब कोई खड़े हो जाए। पुरोहितगण और एक बार आपके पास आकर पवित्र जल छिड़का रहे हैं। हाथों में उठाए रखिए इन वस्तुओं को। Stuti, stuti. All these objects, the name of Jesus Christ be blessed. हाथों में उठाए रखिए, हाथों में उठाए रखिए, इन वस्तुओं पर प्रभु का आशीर्वाद पड़े। हाथों में उठाए रखिए। बिशप जी इस समय आशीर्वाद की एक प्रार्थना कर रहे हैं। आपके हाथों में जो भी है, जो भी चीजों पर बाइबल है, खरीदा हुआ है, सबको उठाए रखिए। हे प्रभु यीशु, तूने हम सबों को चीज वस्तुओं को दिए हैं, जिनके द्वारा हम तेरे कृपा, तेरे आशीर्वाद,
तेरे ही जीवन को पाने पाए। हमारे साथ में हमारे बहुत से सारा चीज है, रोजरी होगा, पानी होगा, जो भी है, हे प्रभु ये सब तेरे ही दान है, तेरे ही से आते हैं। हे प्रभु तू इनके ऊपर में अपने विशेष आशीर्वाद प्रदान कर। हे प्रभु इनके ऊपर में तू ही डेरा कर। हे प्रभु अपने विशेष कृपा आशीर्वाद इसमें रख, जिसके जिसके प्रयोग से जिसके व्यवहार करके हम तेरे ही कृपा आशीर्वाद को पाएंगे और पाते रहेंगे। हे प्रभु हमारे ये सब चीज़ों के ऊपर में अपने आशीर्वाद प्रदान कर, और ये आशीर्वाद के द्वारा आशीर्वाद देते हुए हम तेरे ही आशीर्वाद को पाएं और हमारे जीवन में तुझे हमेशा रखें। हे प्रभु हमारे इन चीज़ों के ऊपर में अपने आशीर्वाद प्रदान कर। हे प्रभु इनके ऊपर में अपने विशेष आशीर्वाद प्रदान कर, और इनके प्रयोग इनके उपयोग करके हम अपने जीवन ही को ग्रहण कर सकेंगे। धन्यवाद हे प्रभु, धन्यवाद हे प्रभु, धन्यवाद हे प्रभु। से दो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें, पावन लहू से दो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें, पावन लहू से दो दे हमें, पावन आत्मा से भर दे हमें। आप उठा बरसाते 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 यीशु काल हो, यीशु काल हो, यीशु का पावन हो। दोनों हाथ उठा यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन थोड़ा कर सुनी कीजिए। हालेलुया, प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं, आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। सुनी कीजिए, सुनी कीजिए, सुनी कीजिए। यीशु की ओर देखते रहिए, यीशु पुकारिए, यीशु पुकारिए, 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 देखते रहिए, घुटने टेकते जाइए, घुटने टेकते जाइए, घुटने टेकते जाइए, घुटने टेकते जाइए, पुकारते जाइए। यीशु को पुकारते जाइए, प्रभु की ओर देखते जाइए, बाकी लोग ताली बजाइए, आगे जो है ताली बजाते जाइए।
बजाकर तालियां। यीशु काल हो, यीशु काल हो, यीशु का पावन लहू। बोलो बोलो, यीशु काल हो, यीशु काल हो, यीशु का पावन लहू। यीशु काल हो, यीशु काल हो, यीशु का पावन लहू। हाथ जोड़िए, यीशु का पावन लहू। घुटने टेके, यीशु का पावन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम तुझे विशेष धन्यवाद देते हैं, जबकि तूने हमारे बीच में रह के अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को हमारे साथ में रखे। वे हमारे दिल को, जीवन को देख के हमारी जो दुख तकलीफें हैं उन सबों को हमसे हटा दिए। हे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिन्होंने हमारे साथ में रह के हम सबों को अपनाए हैं। हे पिता, हमारे बीच में अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को हमेशा रख। हे प्रभु, तू हमारे साथ में हमेशा रह। हे प्रभु, हमें विशेष शक्ति, कृपा, आशीर्वाद, प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि देते रह, जिनके द्वारा हम तुझे अपना गुरु, अपना मास्टर, अपना प्रभु मान के रहें। हे प्रभु यीशु, हमारे घर द्वार में आ, हमारे जीवन में आ, हमारे साथ में रह, और हम सबों को तेरे ही साथ में रहने की कृपा, आशीर्वाद हमेशा देते रह। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे विशेष आशीर्वाद मांगते हैं हम सबों के ऊपर में, और विशेष करके जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमेन। सबको जय यीशु। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। ये हमारे लिए बड़े आशीष की बात रही। हमारे बिशप स्वामी जी भले ही इन दिनों बीमार रहे, लेकिन यहां पर हमारे बीच में आ पाए, पहला दिन नहीं आ पाया, आज आए, हमारे लिए प्रार्थना कर पाए। बिशप जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने हमें यहाँ तक लाया, हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और बिशप जी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे धर्माधीश को, हमारे प्रिय बिशप जी को अपने आशीषों से भर दे, सुरक्षित रखे। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर हम प्रभु को, बिशप जी के लिए धन्यवाद दे। भले ही समय थोड़ा ज्यादा हुए हैं, फिर भी दो शब्द के लिए बिशप जी का हम स्वागत करते हैं। सबों को जय यीशु। मैं आप सबको ज्यादा देरी नहीं रखूंगा, केवल दो मिनट के समान। प्यारे भाइयों और बहनों और अन्य धर्म के लोगों, हम सब कोई जानते हैं कि हमारी ये जगह 8 साल के पहले क्या था और अभी क्या है। ये है ईश्वर के कृपा, प्रभु यीशु क्रिस्त के आशीर्वाद और हमारे विंसेंशियन के फादरगण। मैं आज विशेष रूप से हमारे पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम सबों के लिए ये स्थान को दिए, ये स्थान में अपने
पुत्र यीशु ख्रिस्त को रखे और वही यीशु ख्रिस्त हम सब के ऊपर में अपने आशीर्वाद को आज अकेले नहीं हरदम जबकि हम लोग यहाँ आते हैं अपने आशीर्वाद को बरसाते रहते हैं। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को आज विशेष धन्यवाद दें। एक शुरू ही से मैंने कहा था कि ये जगह ही से ईश्वर के वचन दुनिया के सारी चारों ओर फैल जाएगी और आज मेरे प्यारे भाई और बहनों वही कथन पूरा हो रहा है। मैं जानता हूँ कि प्रभु इसी जगह से अपनी बातों को दूसरों को भी दे रहे हैं, अपने चंगाई को दूसरों को दे रहे हैं, अपने आशीर्वाद कृपा को दे रहे हैं। हम सब ईश्वर को प्रभु यीशु ख्रिस्त को विशेष धन्यवाद दे और उसकी प्रशंसा बड़ाई गुणगान करते रहें। मैं हमारे विंचनसियन के संस्था के प्रोविंशियल को विशेष धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 8 साल के पहले हमारी ये जगह में आ गए और इस जगह को अपनाए हैं। अपने लिए नहीं, हम सबों के लिए, हम सबों को प्रभु यीशु ख्रिस्त को देने के लिए, हम सबों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास उसके सामने उसके साथ में रखने के लिए वे अपने पुरोहितों को भेजते रहे और भेजते हैं। हम आज प्रभु यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद दे और हमारे प्रोविंशियल को धन्यवाद दे, उनके संस्था को धन्यवाद दे। इसी स्थान से आज हम लोग जानते हैं कि प्रभु की वाणी और फैलते जाएगी आजकल का टेक्नोलॉजी के द्वारा। हम लोग आज क्या व्यवहार करते हैं, मोबाइल व्यवहार करते हैं, फोन व्यवहार करते हैं, पिक्चर्स हम लोग लेते हैं, सिनेमा हम लोग बनाते हैं, गान हम लोग गाते हैं, ये सब प्रभु के प्रशंसा बड़ाई गुणगान करने के लिए। आज हमारे इस जगह ही में एक टेक्नोलॉजी का एक स्थान भी शुरू हो रहा है। हम लोग थोड़ी बात में आशीर्वाद देंगे। आप परमेश्वर की विशेष कृपा आशीर्वाद इस कोठली में रूम में लाएंगे जहाँ से प्रभु की वाणी दुनिया के सारी चारों ओर फैलती जाएगी और जो उनके ऊपर में विश्वास करके उनको ग्रहण करेंगे ईश्वर उनके साथ में रहेंगे और ईश्वर उनको अपनाएंगे। मैं आप सबों को आज बहुत धन्यवाद देता हूँ विशेष रूप से मेरे लिए जबकि आप लोग प्रार्थना किए हैं। आज अकेले नहीं, कितने दिनों से प्रार्थना करते ही रहते हैं। धन्यवाद आप सबों को प्राप्त अपने प्रार्थना के लिए। मेरी आशा है कि ईश्वर मुझे सुरक्षित रखे और मैं आप सबों के साथ में इसी तरह प्रभु की वाणी को सुनाने के लिए प्रभु को लाने के लिए आ सकूं और हम सब कोई प्रभु के साथ में रहेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे दुनिया में आए हम सबों को अपनाने के लिए, हम सबों को अपनाने के लिए, हम सबों को अपने जीवन को देने के लिए। तो आइए हम सब बड़े विश्वास से प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हम सबों के ऊपर में अपने कृपा आशीर्वाद बरसाए और अपने जीवन को दे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु। जय यीशु। जोर से ताली बजाकर बिशप जी के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। बिशप जी बैठ जाए। सुबह से अभी तक आपने हमें संभाला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग इस वेदी पर आए, वचन सुनाया, उन सब के प्रति अब्बा हम धन्यवाद देते हैं। आदरणीय बिशप स्वामी जी लोगों के प्रति हम आपको धन्यवाद देते हैं। खान पान रहन सहन की व्यवस्था, बिजली एवं साउंड सिस्टम की व्यवस्था, अन्य सभी तैयारियों में, अन्य सभी कार्यों में लगे हुए आपके बच्चों की मेहनत के प्रति हम आपको धन्यवाद देते हैं।
सभी धर्म बहनों के प्रति, उनके धर्म समाज के प्रति और उनके समाज से आए सभी लोगों के प्रति, हमें यहाँ तक जिन्होंने पहुँचाया उन सभी ड्राइवर लोगों के प्रति, और आज यहाँ पर उपस्थित सभी अपने परिवार के सदस्यों के प्रति हम अब्बा को धन्यवाद देते हैं। हे माँ, आपकी उपस्थिति यहाँ पर बनी रही हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग के सभी संतों एवं स्वर्ग दूतों, आपकी सहायता का एहसास हमें मिला, हम धन्यवाद देते हैं। परम प्रसाद की आराधना एवं मिस्सा बलिदान की प्रार्थना अन्य सभी पलों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। माँ मरियम को हम धन्यवाद देते हुए ऊंची आवाज में सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। अपने परिवारों के लिए समय प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु, यहाँ जितने भी लोग ठहरे हुए हैं उन्हें सही सलामत अभी तक आपने रखा, आज की रात उन्हें संरक्षण दे। हमारे कंपाउंड के चारों तरफ स्वर्गदूतों को तैनात कर देना। हे माँ, आपके आंचल से हमें ढक लेना। हे यीशु मसीह, आपके क्रूस को इस कंपाउंड के चारों तरफ गाड़ देना, ताकि अंधकार की शक्तियाँ कभी हावी होने ना देना, शैतानी हरकतें हमेशा के लिए तबाह हो देना। हम प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। इस आश्रम के प्रति और आश्रम के सभी पुरोहितों के प्रति, आश्रम के सभी सदस्यों के प्रति अब्बा हम धन्यवाद देते हैं, और आपकी स्तुति करते हुए क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, एक बार और अपने ऊपर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए सभी लोग मिलकर क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जोर से बोलिए आमीन, आमीन।